नजरा हटावा नहीं तेरे जे आहोर दिसदा, नहीं तेरे जे आहोर दिसदा। Excuse me, ma'am. यहाँ पे Red Bull कहाँ है? Sir, आपके left side में। Okay. ये Red Bull है। तू मेरा मैं तेरी हूँ। सर आपके 400 रुपीस हो गए। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट आपके लिए। कॉम्प्लीमेंट्री? आप ये सबको देते हो क्या? नो सर, इट्स ओनली फॉर यू स्पेशली। थैंक यू। कैसी कैसी ये उलझन अनबन, कैसी ये अनबन, भीगा प्यार का मौसम, दिल की ये बात जुबां पे न आ जाए। शानी, यहाँ तू मेरा काम संभाल ले, मैं यहाँ संभालती हूँ। इनका बिल कर देना। श्योर सर। सर आपका टोटल बिल हो गया है 440 रुपीज। Your change. अरे लगता है सर अपना वॉलेट ही भूल गए। Excuse me, sir. अरे क्या हुआ, आज भी चॉकलेट देने आए हो क्या? नहीं नहीं सर, वो आप अपना वॉलेट हमारे स्टोर पर भूल गए थे। ओह थैंक यू सो मच यार, यू नो इसके अंदर मेरे कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ कैश भी था। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं यार, अगर आपका ऐसा इंटेंशन होता तो आप मुझे वॉलेट वापस करने ही नहीं आते। राइट, बाय द वे आपने कल मुझे चॉकलेट दी और आज मेरी हेल्प की, तो यार मेरे तो आपको रिटर्न गिफ्ट देने का फर्ज बनता है ना। आज शाम को इफ यू डोंट माइंड कॉफी में मिलते हैं मेट्रो गेल। श्योर, ठीक है फिर, आपका इंतजार रहेगा। You know, यार तुम्हारे पर ड्रेस काफी सूट कर रही है, सुपर लुक यार। थैंक यू सर। बाय द वे आई एम नितिन, नितिन पाल। सना। सना नाइस नेम यार। थैंक यू सर। सर अरे यार तुम स्टोर पे थोड़ी हो, तुम यहाँ कॉफी डेट पे आए हो, बार बार सर बोलना बंद करो। ओके सर, आई मीन ओके। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव, ये क्या हुआ है क्या खबर यही बता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं, हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है, अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है, कोई राज कम वक्त है छुपा है खुदा ही जाने के क्या है, है दिल पे शक मेरा। हाँ आपने बुलाया? हाँ यार मेरा फ्रेंड का बर्थडे है तो उसकी बर्थडे पार्टी में चलना है,
नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाओ। पर क्यों? अरे आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मेरा फ्रेंड थोड़ी है वो, मेरा क्या मतलब बनता है? अरे यार तुम्हारा मतलब क्यों नहीं बनता, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो फिर किसके साथ जाऊंगा? और इतना सोचो मत, मेरा फ्रेंड ना काफी अच्छा है। हाँ बैठते वैसे लेट हो रहे पार्टी के लिए। ठीक है। भाई एक बार नितिन आ जाए फिर मजा आ जाएगा यार पार्टी करने में। यार मेरा बर्थडे ना यादगार रहना चाहिए। ले नितिन आ ही गया। अरे आ किसके साथ रहा? मुझे क्या पता। हाय ब्रो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू यार। वैसे ये कौन है? ये शी इज माय गर्लफ्रेंड। अच्छा यार तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। हाय हैप्पी बर्थडे। अबे तू हाय वाय छोड़, ये बता तू जैसे गरीब इंसान में नितिन ने ऐसा देख क्या लिया जो तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना बैठा? आप ये क्या बोल रहे हो? अब तुम्हें क्या बात भी समझ नहीं आ रही हमारी? हाँ अब क्यों समझ में आएगा इसे, वैसे तूने अपनी औकात देखी है? तेरी ना औकात इतनी भी नहीं है कि तू नितिन के साथ खड़े हो जाए। और तेरे को पता है नितिन का लेवल तेरे से कितना ऊपर है? और ये देखो कैसा सूट पहन के आई है, आज के टाइम ना मेरी मम्मी दादी भी सूट नहीं पहनती, और कैसा सूट पहन के आ गई है यहाँ पर। वैसे तू वही है ना जो न्यू शॉप पे काम करती थी, लड़कों के बिल काटते काटते लड़कों का काटना भी शुरू कर दिया क्या? इसमें शर्म नाम की चीज नहीं है, इतना सुनने के बाद भी यहीं खड़ी हुई है। अरे कहाँ से होगी इसमें शर्म, गरीब है ना, और तुझ में से ना गरीबी की बू आ रही है, तो चल निकल यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। रुख जिंदगी ने टाइम बर्बाद कर दिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा आता नहीं यकीन, क्या से क्या हो गया। सॉरी गाइस थोड़ी लंबी कॉल हो गई। वैसे सना कहाँ चली गई? भाई पता नहीं यार कहाँ चली गई। अरे वो देख नितिन वो खड़ी। अच्छा तुम लोग रुको मैं अभी आता हूँ। सना क्या हुआ, तुम वहां से क्यों आ गए? कुछ नहीं बस ऐसे ही। अरे कोई बात है तो मुझे बताओ, किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं वो मेरी ना किसी से वाइब्स मैच नहीं हुई तो इसीलिए बस मैं यहाँ आकर तुम्हारा वेट करने लगी। चलो चलते हैं। अरे इतनी जल्दी, अभी तुम अपने फ्रेंड से ठीक से भी नहीं मिला, और यार हम तो पार्टी करने जा रहे हैं ना। मुझे कहीं नहीं जाना और मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा। एक काम करो आप अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, मैं यहाँ से खुद अकेली चली जाऊंगी। अरे नहीं यार अगर तुम नहीं जा रहे तो फिर एक काम करता हूँ, मैं भी जाना कैंसिल करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बोल के आता हूँ। ठीक है गाइज, आई एम रियली सॉरी, एक काम करो यार तुम चले जाओ, इस बार मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। अबे भाई यार नितिन ये तू कैसी बात कर रहा है, हम हर साल ना साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इस साल तेरे बिना यार कैसे? भाई किसी ने सही कहा है, किसी की लाइफ में ना लड़की आ जाती है ना तो अपने पुराने यार दोस्तों को भूल जाता है। और आ नितिन अगले महीने मेरी शादी है तो उसमें भी मत आइयो। अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है। अरे भाई ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है, तुझे तो पता ही है ना हमने जो भी काम किया आज तक सबने मिलकर और एक साथ किया है, और आज तू कह रहा है तेरे बिना बर्थडे सेलिब्रेट कर लूं। नहीं यार एक काम करता हूं मैं अपने बर्थडे पार्टी कैंसिल कर देता हूं। हाँ भाई तू सही कह रहा है पार्टी कैंसिल कर दे यार। अरे नहीं नहीं यार तू ऐसा मत कर, एक काम कर चल लेता हूं मैं, फिर मैं ना सना को कॉल कर देता हूं। मैं तू पागल है क्या, वो छोटी बच्ची थोड़ी है अपने आप घर चली जाएगी, और यार उसे भी तो पता है नितिन के फ्रेंड का बर्थडे है, एक काम कर निशान इसे बिठा यार जल्दी। चल यार चल। अरे यार मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? नहीं सना तूने गलत लड़के पर ट्रस्ट किया है, नितिन की नजर में तेरी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं नितिन की इसमें क्या गलती है, सारी गलती तेरी है, तुझे अपनी औकात में रहना चाहिए था। नितिन का लाइफस्टाइल इतना बढ़िया है, मुझसे बहुत अलग है उसका रहन सहन, उसकी लाइफ में मेरी जैसी कई लड़कियां होंगी, बल्कि मुझसे बहुत अच्छी लड़कियां आती जाती रहती हैं उसकी लाइफ में। सना तुझे नितिन को भूलना होगा, भूल जाओ उसे। आऊंगा मैं।
हाय गाइस। हाय। और तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? यार मीटिंग काफी बढ़िया रही। जिस बिजनेस डील को करने के लिए गया था ना, वो यार मेरा सब कुछ सक्सेस हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर इसके लिए ना तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ भाई पार्टी दूंगा, मना नहीं कर रहा, बट अभी ना मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। एक काम करता हूँ, तुम सबको ना मैं शाम में मिलता हूँ। ठीक है भाई। एक काम करता हूँ, लास्ट बार कॉल करके देख लेता हूँ। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। अभी भी उसका कॉल नहीं लग रहा। स्टोर पर ही जाके देखता हूँ। मैम आपके साथ एक लड़की काम करती थी सना, आपको उसके बारे में कुछ पता है? अरे सर वो तो 3-4 दिन पहले ही जॉब छोड़ के चली गई है। अच्छा आपके पास उसका कोई और नंबर है? नहीं सर मेरे पास तो नहीं होगा, सॉरी। ओके। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं छो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था। सना टूट गया हूँ फिर एक। सना यार तुम कैसे हो? और यार मैंने तुम्हें इतने कॉल्स ट्राई करे पर तुम्हारा नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने मेरे से एकदम बात करना क्यों छोड़ दिया। क्या फायदा हमारा बात करके नितिन, जब तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड सेम नहीं है। और उस दिन पार्टी के लिए तुम मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे। सना मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था, मेरे दोस्तों ने मुझे तुम्हारे पास आने तक नहीं दिया। इवन मेरा फोन भी मुझसे छीन लिया था। और फिर बाद में जब मैं फ्री हुआ पार्टी से, मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारा नंबर जब से लेके अब तक स्विच ऑफ ही आ रहा है। बट पार्टी के बाद तुम मुझसे मिलने आ सकते थे ना? यार मैं तुम्हें बार बार कॉल इसलिए ही कर रहा था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मुझे पार्टी के बाद एक बिजनेस मीटिंग के लिए बैंगलोर निकलना है। बट यार देखो ना, तुम्हारा फोन तो जब से लेके अब तक स्विच ऑफ ही आ रहा है। बताओ मैं कैसे कॉन्टेक्ट करता तुमसे? अच्छा सॉरी, वो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इट्स ओके। और सना तुम्हें पता है जिस स्टोर पे तुम काम करते थे, मैं वहां पर भी आया था तुम्हें देखने के लिए, फिर वहां पता चला कि तुमने तो काम ही छोड़ दिया। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने स्टोर पे से काम क्यों छोड़ दिया? अरे वो एक्चुअली मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। गवर्नमेंट जॉब लग गई? बट यार तुम तो स्टोर पे काम करते थे। मैं गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन कर रही थी, और शॉप पर तो मैं काम सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के तौर पर कर रही थी। मेरा SSC का एग्जाम क्लियर हो चुका था, जॉइनिंग लेटर का वेट था मुझे। अच्छा कांग्रेचुलेशन यार। और यार देखो तुम्हारे और मेरे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी क्लियर हो गई। वीडियो का एंड आते-आते वीडियो की हैप्पी एंडिंग हो रही है। हैप्पी एंडिंग? नहीं नितिन, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। मेरी जॉइनिंग दिल्ली से बाहर मुंबई में है, यहाँ से बहुत दूर, और मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए हूँ, उसके बाद मैं वहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो जाऊंगी। दिल का दरिया। अच्छा चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सुनो तुम परेशान मत हो, वीडियो का एंड आ गया है, हैप्पी एंडिंग कर लेते हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि बुद्धू मैं तुमसे मजाक कर रही थी, मेरी जॉइनिंग दिल्ली में ही हुई है, वो भी इसी एरिया में। अच्छा वे मैं तेरी हो गई आ, तू मैनू रोल ना देवी, इना मेरी आँखियाँ तो हंजू चोण ना देवी, जीवे कवेगा वे रह लांगी, हस हस के सब कुछ सह लांगी, जीवे कवेगा वे रह लांगी। हे गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जैसे आप हर बार मेरी वीडियो को पसंद करते हो। और थैंक यू सो मच, सबसे पहले यार लास्ट वीडियो को आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। मतलब 2 महीने के बाद वीडियो डालती, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऑलमोस्ट 1 लाख होने वाली है वो वीडियो, और आपने काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी करे उसके ऊपर। और मेरे को इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और ये जरूर बताना कि आप कहाँ से हो, मतलब कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, इंडिया से देख रहे हो, इंडिया से बाहर से देख रहे हो, या फिर इंडिया के कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हो। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है, वो इधर कहीं आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो नितिन बार ब्लॉग्स, और वहाँ पे मैं जो अपनी डेली एक्टिविटी में वर्क करता हूँ या कुछ भी करता हूँ मैं वहाँ पे आपको अपडेट देता रहूँगा। बाकी जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।